आउज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आस्क वज़ाइफ़ टीचर चैनल की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम इस्लामी बहन भाई खैरियत व आफियत के साथ होंगे, और इस नेक उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम इस्लामी बहन भाइयों की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, रंजिशों को दूर फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा आज का वजीफ़ा 19 रमज़ान उल मुबारक का वजीफ़ा है, और इस वजीफ़े में इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकात से आप हादसात से बचने का आसान अमल भी इख्तियार कर लेंगे, और इसके साथ साथ कसरत रिज्क में इजाफा होगा, और आप किसी भी शैतानी काम, जानी जादू, काला या इस किस्म के कोई भी असरात बिल्कुल महफूज रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, कहते हैं कि एक शख्स अबू दरवा सहाबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि आपका मकान जल गया। फरमाया, नहीं जला। फिर दूसरे शख्स ने यही इतला दी तो आपने फरमाया, नहीं जला। फिर तीसरे आदमी ने यही खबर दी, आपने फरमाया, नहीं जला। फिर एक और आदमी ने आकर कहा कि ऐ अबू दरवा, आग के शरारे बहुत बुलंद हो गए, मगर जब आपके मकान तक पहुंची तो आग बुझ गई। फरमाया, मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि मेरा मकान जल जाए, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात पढ़ ले, शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। मैंने सुबह ये कलमात पढ़े थे, इसलिए मेरा यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इसके साथ साथ वो कलमात क्या थे? वो कलमात कुरान मजीद के आखिरी पारे की चार कुल शरीफ हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा तासीर थी, इतनी ज़्यादा बरकात थी कि आराम से, सुकून से वो सहाबी बैठे रहे कि मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जैसे ये वजीफ़ा करेंगे, जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, तो आप भी तमाम सारा दिन तमाम मुसीबतों से निजात में रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, मैं आपको नमाज में आखिरी सूरतों का भी अमल बता दूं। आप अगर परेशान हाल हैं और आप देख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जिस किसी आदमी पर शक हो रहा है कि वो हसद का शिकार हो गया, जिस बंदे को शक हो कि वो जादू हो गया या जादू हो सकता है, और इस तरह की बहुत बड़ी साजिशें तैयार हो गई हैं मेरे लिए या हो सकती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये चार सूरतें वो इस तरह पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला इन कुल की इतनी तासीर होगी कि जल्द ही इतने गलत और गंदे असरात से महफूज रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, ये कुल इतनी बाबरकत हैं, इनकी फजीलत तो बयान हो ही नहीं सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, हमारे जो आज का वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे के साथ हादसा से बचा आप कसरत रिज्क का भी इंशाअल्लाह ताला और आपके घर में रिज्क इस तरह छप्पर फाड़ कर आएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। शयातीन और जिन्नात से बचने के लिए भी ये वजीफा बहुत ही मुफीद है। जो शख्स रात को सोते वक्त सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक और दूसरे ये सूरत एक एक मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके दोनों हाथों को अपने सर से लेकर पेट और टांगों तक फेरे,
इंशाअल्लाह ताला वो रात भर जिन्नात और शयातीन के शर से और दीगर आफात समावी से महफूज और अल्लाह की पनाह में रहेगा। इसके साथ साथ जादू काल इल्म के असरात को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अक्सर ये सूरतें हैं। अगर किसी शख्स पर काले इल्म का जादू हुआ हो तो उसे 11 रोज़ तक 1100 मरतबा अब कर ये वजीफ़ा करना होगा। इंशाअल्लाह ताला इस इल्म के असरात से दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुँचा। अगर आप सफ़र में निकले हैं या किसी और से हैं तो आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी और आप खैर आफियत अपने घर तक वापस आ सकते हैं। आप हादसात से भी महफूज रह सकते हैं। मोजिज़ नाज़रीन सामी, हम चलते हैं अपने वजीफे की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से अपने वजीफे की तरफ लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन्स पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला बाबरकत वजीफ़ा अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ये चार कुल 11-11 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारनी है और अपने हाथों को सर से लेकर पांव तक फेरना है। इस तरीके से अपने हाथों को अपने बदन पर फेरना है कि आपके बदन का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। इंशाअल्लाह ताला पूरा दिन आप आफात से परेशानियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ आपने रात को इशा की नमाज के बाद भी 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर दरमियान में 11 मरतबा ये चार कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारनी है और अपने हाथों को अपने बदन पर इस तरह फेरना है कि आपके बदन का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। तो इंशाअल्लाह ताला सारी रात आप शयातीन के शर से महफूज रहेंगे और अल्लाह की पनाह में रहेंगे। अगर आप सफ़र के लिए निकले हैं तो ये चार कुल आपने 313 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारनी है और उसके बाद आप बख़ैर आफियत सुकून से अपने घर तक वापस आ सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सफ़र में हादसात से भी बिल्कुल महफूज रखेंगे और अपनी पनाह में रखेंगे। मोजिज़ नाज़रीन सामीन, जो नए व्यूअर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और हम लोग इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे नए नए बाबरकत और इस्लामी वजीफ़े आपकी खिदमत में। आप लोगों को वजीफ़ों के साथ साथ बताती चलूं कि रमज़ान और मुबारक का महीना बिल्कुल इख्तिताम को है। ये बाबरकत और बाबरकत घड़ियां और ये बाबरकत लम्हात बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहे हैं। कुछ ही पल, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो आप प्लीज़ इन कुछ ही बाकी बचे हुए लम्हात में अपने रब से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने लिए दुआ करें और इस रमज़ानुल मुबारक के को सही सलामत इस तरह रुख्सत करें कि ये आप पर राजी मत के दिन आपके लिए हुजूर अस्तग़फ़ार की दुआ करवाए और आपका साथी बन जाए। मौजूद नाज़रीन स्वामी, नमाज भी पंजीगाना अदा करें, तिलावत करें, अल्लाह से बरकत घड़ियां ये बाबरकत रमहात रमज़ानुल मुबारक के दोबारा हमारे ज़िंदगी में हमें नसीब फरमाए। हम मुसलमानों को खुशियां नसीब फरमाए, इस्लामी बहन भाइयों को जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो हादसात का शिकार हो रहे हैं उनको सब्र तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, हो रहे हैं उनको सब्र तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे नए बाबरकत नई वीडियो में।
अपना ख्याल और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।